एक और बहुत अहम विषय है नागरिकता कानून का, जिसे लेकर बहुत अफवाहें फैलाई जा रही है। उसमें भी कुछ लोगों द्वारा अपना वोट बैंक साधा जा रहा है। भाइयों और बहनों, जब देश का बंटवारा हुआ, जब भारत का विभाजन हुआ, तो मां भारती में आस्था रखने वाले हजारों लाखों लोग दूसरे देशों में वहीं रह गए। उन्होंने उस समय के नेताओं की बातों का भरोसा किया था। उन नेताओं ने उन्हें कहा था कि वहां वे लोग सुख चैन की जिंदगी जी पाएंगे। उन नेताओं की बात मां भारती के उन संतानों ने मान ली थी, लेकिन उनके भरोसे को तोड़ दिया गया। इसके बाद दशकों तक केंद्र सरकार में बैठे लोगों ने इन लोगों की परवाह नहीं की। अपने ही लोगों को उन्होंने पराया बना दिया। इतिहास की इस गलती को सुधारा जाना बहुत जरूरी था। ये लोग जो मां भारती की जय बोलते हैं, वो और किस देश में जाएंगे? आज जब वहां उनके साथ उनकी आस्था की वजह से अत्याचार बढ़ रहा है, तो वो कहां जाएंगे? उन्हें नर्क की जिंदगी से निकलना, उन्हें वहां से बचाना, ये हर हिंदुस्तानी का कर्तव्य है, हर सरकार का कर्तव्य है। और इसलिए हमारा संकल्प है कि नागरिकता से जुड़े कानून को संसद में पारित कराकर ही रहेंगे।